कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम ट्री होता है। ट्री का अगले दिन बर्थडे होता है, इसलिए वो आज रात पार्टी में ज्यादा ड्रिंक कर लेती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। अब उसका एक फ्रेंड कार्टर ट्री को अपने घर लेकर आता है। यहाँ जब ट्री की आँख खुलती है तो वो कार्टर से सिर दर्द के लिए मेडिसिन मांगती है, जिसके बाद कार्टर उसे एक मेडिसिन लाकर देता है। फिर ट्री मेडिसिन को लेती है और कार्टर से कहती है कि किसी को भी मत बताना कि मैं यहाँ तुम्हारे घर में थी। इसके बाद जब ट्री वहाँ से बाहर जा रही होती है तब कार्टर का रूममेट रायन घर के अंदर आता है। यहाँ ट्री उसे इग्नोर करके बाहर चली जाती है। बाहर जाने पर ट्री को एक सर्वे करती हुई स्टूडेंट मिलती है जिसे ट्री इग्नोर करके आगे जाने लगती है। इसी तरह ट्री को बहुत सारी उल्टी सीधी एक्टिविटी दिखाई देती है। अब आगे जाने पर ट्री से एक लड़का मिलता है जिसका नाम टीम होता है। यहाँ टीम उससे कॉल न उठाने की वजह पूछता है। इस पर ट्री उसे बातें सुनाकर आगे की ओर निकल पड़ती है। वहीं एक रूम के बाहर ट्री को एक हेडफोन लगाए हुए लड़की भी दिखती है जो ट्री से हाय करती है, लेकिन ट्री उसे भी इग्नोर कर देती है। इसके बाद ट्री रूम में आती है और क्लास के लिए लेट होता हुआ देखकर जल्दी से रेडी होने लगती है। वहीं उसके रूम में लोरी जो कि एक नर्स है वो ट्री को उसके बर्थडे पर अपने हाथ से बनाया हुआ एक कप केक देती है जिसे ट्री तुरंत ही डस्टबिन में फेंक देती है क्योंकि ट्री अपना वेट गेन नहीं करना चाहती थी। फिर ट्री लोरी को छोड़कर क्लास जाती है जहाँ उसके प्रोफेसर ग्रेगरी जो कि एक डॉक्टर भी होते हैं वो क्लास लेने के बाद ट्री के साथ अपने ऑफिस में जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ग्रेगरी मैरिड है लेकिन फिर भी उसका ट्री के साथ अफेयर चल रहा होता है। तभी यहाँ ग्रेगरी की वाइफ स्टेफनी भी आ जाती है जिसे देखकर ट्री वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद ट्री उन लड़कियों से मिलती है जिनके साथ वो अपने बिल्डिंग में रहा करती है। यहाँ डेनियल दूसरी लड़की बेकी को जंक फूड खाने से मना करती है। इस पर बेकी गुस्से में वहाँ से जाने लगती है पर तभी वो वहाँ पर कार्टर से टकराती है जिससे उसका फूड ट्री पर गिर जाता है। इसके बाद ट्री जल्दी से कार्टर को साइड पर ले जाती है ताकि किसी को उसके कार्टर के रूम में सोने की बात पता ना चले। ट्री कार्टर से अपनी वही ज्वेलरी लेती है जो उसने उस रात उसी रूम में छोड़ दिया था। अब उसके जाने के बाद डेनियल ट्री को पार्टी पर इनवाइट करती है। फिर ट्री वहाँ से चली जाती है और रात को रेडी होकर पार्टी के लिए निकलती है। इसी बीच उसे एक टनल से म्यूजिक बॉक्स की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर ट्री उस बॉक्स के पास जाती है। तभी उसे कुछ दूरी पर एक मास्क पहना हुआ आदमी दिखाई देता है। उसे देखकर ट्री काफी ज्यादा डर जाती है और वहाँ पुलिस बुलाने की धमकी देती है। ये सुनकर वो आदमी यहाँ से भाग जाता है। अब ट्री यहाँ से जाने लगती है कि तभी वो मास्क पहना हुआ आदमी ट्री पर हमला कर देता है जिससे ट्री वहीं पर मारी जाती है। अब ट्री के मरते ही वो खुद को कार्टर के बेड पर उठती हुई दिखाई देती है, जिसके बाद यहाँ ट्री के साथ वापस से वही चीजें रिपीट होती हैं जो उसके मरने से पहले हुई थी। यानी कि फिर से कार्टर उसे मेडिसिन देता है और सेम तरीके से वो घर से बाहर निकलती है। फिर बाहर जाने के बाद ट्री को वही लोग दिखाई देते हैं जो कुछ समय पहले उसे दिखाई दिए थे। अब ये सब इग्नोर करके ट्री अपने रूम में आती है। यहाँ सेम तरीके से लोरी उसे एक कप केक देती है पर इस बार ट्री उस केक को ना तो फेंकती है और ना ही खाती है बल्कि वो उस केक को वहीं पर रख देती है। खैर अब ट्री क्लास जाती है जहाँ पर वो ग्रेगरी के साथ होती है। इसी बीच वहाँ पर ग्रेगरी की वाइफ आ जाती है जिसके बाद वो बाहर चली जाती है जहाँ सब कुछ पहले जैसा ही रिपीट होता है। अब ये सब होने के बाद रात को ट्री टनल के पास से गुजरते वक्त उस म्यूजिक बॉक्स को इग्नोर कर देती है और किसी दूसरे रास्ते से होते हुए आगे की तरफ जाती है, जिसके बाद वो इस पार्टी में पहुंच जाती है। पार्टी में पहुंचने के बाद उसे एक और आदमी दिखाई देता है जो कि मास्क पहने हुए था। अब ट्री उसे कातिल समझकर हिट करती है लेकिन जब वो मास्क उतारता है तो वो डेनियल का बेस्ट फ्रेंड निक निकलता है और यहाँ पता चलता है कि सब ने उसके लिए सरप्राइज रखा था। अब ट्री उस पार्टी को एंजॉय करती है। फिर थोड़ी देर बाद वो निक के रूम में उसके साथ जाती है जहाँ निक मास्क देख रहा होता है और ट्री डेनियल के आए हुए मैसेज को देखती है। इसी बीच उसके पीछे वो कातिल आकर निक को मार देता है। फिर वो ट्री पर भी हमला करके उसे भी जान से मार देता है। तभी फिर से ट्री की आँख उसी रूम में खुलती है जहाँ पर वो कार्टर के रूम में होती है। ट्री ये सब देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, इसलिए वो सबको इग्नोर करके फौरन अपने कमरे में जाती है। यहाँ ट्री लोरी को बताती है कि कोई उसके पीछे पड़ा हुआ है। इस पर लोरी उसे तसल्ली देती है और उसे रेस्ट करने के लिए बोलती है। अब उसकी बात मानते हुए ट्री अपने रूम में जाती है और उस डोर को लॉक कर देती है। साथ ही ट्री डोर पर कील ठोंक देती है ताकि कोई उसके रूम के अंदर ना आ सके। फिर रात होने तक ट्री इसी तरह बंद रहती है। इसी बीच ट्री को बालकनी से किसी की आवाज आती है जिसे चेक करने के लिए वो उधर जाती है। तभी उसके पीछे से कातिल उस पर हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है।
है। इसके बाद एक बार फिर से ट्री की आँख कार्टर के रूम में खुलती है। अब ट्री समझ जाती है कि वो एक टाइम लूप में फंस चुकी है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा दुखी होती है। अब ट्री कार्टर को अपने साथ कैफे लेकर जाती है, जहाँ वो उसे अपने साथ हुई सारी बातें बताती है। ट्री की ये बातें सुनकर कार्टर उस पर यकीन नहीं करता, इसलिए वो ट्री को समझाता है कि शायद कोई उसके बर्थडे का फायदा उठाकर उसे मारना चाहता हो। साथ ही कार्टर उसे अपने सभी फ्रेंड का लिस्ट बनाने के लिए कहता है। इस पर ट्री अपने सभी फ्रेंड्स का लिस्ट बनाती है और वो बारी बारी लिस्ट पर लिखे लोगों पर नजर रखती है, लेकिन हर बार ट्री मारी जाती है। पहली बार वो टीम पर नजर रखती है जो कि अपने रूम में बैठा होता है। उसे देखकर ट्री को लगता है कि वो लड़कों में इंटरेस्टेड है। इसी दौरान कातिल उस पर हमला कर देता है। फिर दूसरी बार ट्री का शक स्टेफनी पर होता है, लेकिन कातिल के हाथों स्टेफनी को मरते हुए ट्री देखती है, जिससे वो भी क्लियर हो जाती है। अब तीसरी बारी डेनियल की होती है, जिससे ट्री की लड़ाई होती है और दोनों ही बस के टक्कर में मारे जाते हैं। इसके बाद ट्री बार बार मरने की वजह से काफी कमजोर हो चुकी होती है, इसलिए उसे कैंपस के हॉस्पिटल लाया जाता है, जहां पर कार्टर उससे मिलने आता है। साथ ही वहां ग्रेगरी के साथ काम करने वाली लोरी उसे देखने भी आई हुई थी। फिर दोनों को निकाल कर ग्रेगरी अकेला ही उसके पास आता है और उसे तसल्ली देता है कि उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन ग्रेगरी को देख कर ट्री को ख्याल आता है कि उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि ग्रेगरी ही हो सकता है, इसलिए वो उसे ड्रिंक का बहाना करके बाहर भेजती है और खुद ग्रेगरी के गाड़ी की चाबी ढूंढने लगती है। वहीं ट्री को बेबी मास्क मिलता है, जिसे देखकर उसका शक हकीकत में बदल जाता है। तभी उसके सामने ग्रेगरी आ जाता है, जिसे वो कातिल ट्री के सामने ही मार देता है। ये देखकर ट्री बाहर की तरफ भागती है, जिसके बाद वो पार्किंग एरिया में जाकर ग्रेगरी की गाड़ी लेकर वहां से निकल जाती है। अब ट्री को लगता है कि शायद उसकी जान बच गई है, पर तभी पुलिस उसे तेज गाड़ी चलाने पर रोकती है। इस पर ट्री कातिल से बचने के लिए झूठ बोलती है कि उसने ड्रिंकिंग की है, इसलिए ट्री को पुलिस गाड़ी में बैठा लेती है। लेकिन तभी पुलिस की गाड़ी में बैठी ट्री को कातिल की गाड़ी टक्कर मारती है, जिससे उस गाड़ी का फ्यूल लीक होने लगता है, और इसी का फायदा उठाकर वो कातिल एक बर्थडे कैंडल लेकर गिरे हुए फ्यूल पर फेंकता है, जिससे वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और ट्री मारी जाती है। इसके बाद ट्री की फिर से दिन की शुरुआत में आँख खुलती है, जहाँ वो कार्टर को दिखाती है कि उसे बाहर होने वाले सारे वारदात उसे सब पता है, और वो उसे सब कुछ होता हुआ भी दिखाती है। जहाँ पर पहले तो कार्टर हैरान होता है, लेकिन फिर उस पर यकीन कर लेता है। कार्टर ट्री को कमजोर देखकर उसे अपने साथ रेस्टोरेंट लेकर जाता है, जहाँ उदास हुई ट्री बातों ही बातों में कार्टर को बताती है कि उसकी 3 साल पहले हुई मदर की बर्थडे उसी के साथ आती है, जिसे वो दोनों साथ ही मनाते थे। लेकिन अपने मॉम के मरने के बाद से वो बदल गई, जिसके बाद उसका डेविड के साथ अच्छे ताल्लुक नहीं थे और वो सबसे अच्छा बिहेव नहीं करती थी। तभी इसी बीच ट्री की नजर टीवी न्यूज पर पड़ती है, जहाँ रिपोर्टर किसी टॉम्स नाम के एक मर्डर के बारे में बता रही थी। यहाँ टॉम्स ने 6 लड़कियों को मारा हुआ था, जिसके बाद टॉम्स उसके कॉलेज वाले हॉस्पिटल में एडमिट था। अब ये सब देख ट्री को लगता है कि शायद टॉम्स ही उसका कातिल है, जिसके बाद ट्री तुरंत हॉस्पिटल जाती है। ट्री के वहाँ पहुँचने से पहले ही टॉम्स ने पुलिस को मार दिया था और वो फ्री होकर यहाँ से भाग चुका होता है। ये सब जानकर ट्री एक कुल्हाड़ी ले लेती है, तभी टॉम्स उसके सामने आता है, तो कार्टर ट्री को बचाने के लिए टॉम्स पर हमला करता है। यहाँ टॉम्स कार्टर को मार देता है, जिसके बाद ट्री उसे मारने लगती है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि अगर वो वापस से टाइम लूप में जाएगी तो कार्टर मरा ही रहेगा, इसलिए वो खुद को ही मारकर सुसाइड कर लेती है। तभी फिर से उसकी आँख दोबारा से कार्टर के रूम में खुलती है, तो वो अपने सामने कार्टर को देखकर खुशी से उससे गले मिलती है। लेकिन यहाँ कार्टर को कुछ भी याद नहीं होता, जिस पर ट्री उसे बताए बगैर ही यहाँ से बाहर निकलती है। अब ट्री काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसे असली कातिल का पता चल गया था। अब की बार ट्री वहाँ से बाहर निकलते ही सबको इग्नोर ना करके अच्छे से बिहेव करती है। फिर ट्री अपने रूम में जाती है और लोरी से भी अच्छे तरीके से बात करती है। ये सब देखकर लोरी काफी हैरान होती है, लेकिन इस बार ट्री उससे केक लिए बगैर ही वहाँ से ग्रेगरी के पास जाती है। अब ट्री ग्रेगरी को बाहर बुलाकर उससे अफेयर खत्म कर देती है। इसके बाद ट्री अपने ग्रुप के सभी लोगों के पास जाती है, जहाँ पर वो जंक फूड खाती है और डेनियल की बातों पर उठकर जाती हुई बैका को रोक देती है और उसका खाना डेनियल के ऊपर ही फेंक कर सबके सामने उसकी बेइज्जत करती है। फिर वो सबके सामने कार्टर को किस करती है और उसे रात में अपने साथ बर्थडे एंजॉय करने के लिए कहती है। अब इसके बाद ट्री रेस्टोरेंट जाती है, जहाँ पिछली बार की तरह डेविड उसका वेट कर रहा होता है। फिर दोनों खुशी खुशी लंच करते हैं। इसके बाद से इनका रिलेशनशिप सही हो जाता है। अब ट्री तुरंत ही हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर वो सिक्योरिटी गार्ड को धमकी देकर वो सोए हुए टॉम्स के पास जाती है और उसके ऊपर गोलियां चलाने लगती है। लेकिन ट्री की गन चल नहीं रही होती, जिस पर टॉम्स उसे बताता है कि गन पर सेफ्टी
एंटी लॉक है। ये कहकर टॉप्स उस पर हमला करता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। इसी बीच ट्री की घड़ी पर एक अलार्म बजता है जो उसने उस समय लाइट जाने के रिमाइंडर पर लगाया हुआ था। अब यहाँ लाइट चली जाती है जिसके बाद ट्री उसका फायदा उठाती है। फिर जैसे ही लाइट आती है तो ट्री टॉप्स के पीछे खड़े होकर उसे शूट करके मार देती है। अब ये सब देखकर ट्री काफी ज्यादा खुश होती है, इसलिए वो रात को कार्टर के रूम में जाती है और लोरी के द्वारा बनाए गए कपकेक को काट कर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। ये सब होने के बाद ये सो जाती है, लेकिन ट्री की आंख दोबारा से कार्टर के रूम में खुलती है जिस पर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और यहाँ से भागते हुए तुरंत अपने रूम में जाती है। फिर लोरी उसे एक कपकेक देती है जिससे अब ट्री को सब कुछ समझ आ जाता है। दरअसल ट्री की कातिल कोई और नहीं बल्कि लोरी होती है जो उसे अपने कपकेक में जहर मिलाकर मारना चाहती है, लेकिन ट्री किसी भी बार वो कपकेक नहीं खाती, तो इसलिए लोरी अपनी नर्सिंग जॉब का फायदा उठाकर ट्री को मारने की कोशिश करने लग जाती है और ये सब इल्जाम टॉप्स पर डालने के लिए उसे ड्रग्स देकर यहाँ से भगा देती है। फिर ये सब जब ट्री लोरी को कहती है तो वो इस बात का इनकार करती है, जिस पर ट्री उससे कहती है कि वो अभी इस कप को पुलिस के पास ले जाएगी जिससे पूरा सच सामने आ जाएगा। ये सब सुनकर लोरी ट्री पर हमला करती है और दोनों में फाइट हो जाती है। इसी दौरान ट्री उससे ये सब करने की वजह पूछती है। इस पर लोरी कहती है कि उसका ग्रेगरी के साथ अफेयर था, लेकिन ग्रेगरी ने उसे छोड़कर ट्री के साथ अफेयर शुरू कर दिया था क्योंकि उसे ट्री काफी पसंद थी। खैर इसलिए लोरी ट्री के साथ ये सब कर रही थी। अब लोरी ट्री को मार ही रही होती है कि तभी रूम के बाहर से डेनियल की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर लोरी डिस्ट्रैक्ट होती है और इसी का फायदा उठाकर ट्री उसके मुंह में कप केक डाल देती है, जिसके बाद वो उसे पैर से धक्का मार कर नीचे गिरा देती है। इन सब के बाद ट्री कार्टर से मिलती है और दोनों रेस्टोरेंट में बैठकर न्यूज पर इसी बारे में देख रहे होते हैं। इसके बाद कार्टर ट्री को अपने साथ चलने के लिए कहता है तो ट्री उसके साथ चली जाती है। फिर जब अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो एकदम से डर जाती है कि ये दिन दोबारा से उसी तरह शुरू हो गया, लेकिन ये कार्टर का प्रैंक होता है, जिसे समझकर ट्री राहत की सांस लेती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।